नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? मजे में? बच्चों, आप लोगों ने बच्चों की शोर तो सुनी होगी, पर सब्जियों की शोर सुनी है? तो चलो आइए देखते हैं पाठ 9, कैसा शोर। इस इकाई में सब्जियों के चित्रों द्वारा सब्जियों की जानकारी दी गई है और सब्जियों के संवाद द्वारा उनके बारे में विशेष परिचय भी मिलता है। इस पाठ से हमें मिलजुल कर रहने की सीख भी मिलती है। तो चलो आइए देखते हैं पाठ 9, कैसा शोर। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी, यानी कि बिरजू काका ए पोताना खेतर में शाकभाजी वावी हती। दोपहर का समय था, बपोरनो समय हतो। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। बिरजू काका झाड़ना छाएड़ा में आराम थी ऊँग्या हता ने तेमने ऊँघ आवी गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई, त्यारे खेतरनी बद्दी शाकभाजी रमवा माटे भेगी थई गई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई, नोक झोंक पर यानी कि उग्र चर्चा करने लगी, एटले कि आ बद्दी शाकभाजी रमता रमता उग्र चर्चा करवा लागी। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। बटाका ए कह्यूं कि हूँ बद्दी शाकभाजियों में सर्वश्रेष्ठ छू। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं, बद्दी शाकभाजी मारा वगर अधूरी छे। बच्चों बुढ़ोकों में बहुत भाता हूँ, एटले के बाळकों अने वृद्धों ने हूँ खूब ज भाऊ छू। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। चाट, चिप्स, टिकिया जेवी चटपटी अने स्वादिष्ट वानगीओ मारा थी ज बने छे। शकरगन ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। शक्करियाए कह्यूं कि हूँ बटाकानो मित्र छू। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं, मने पण लोको खूब ज पसंद करे छे। तब मटर की सिंह से मटर उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। त्यारे वटाणानी सिंह मोती वटाणा उछलीने बाहर आव्या अने कहवा लग्या कि अमने भूली गया। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचोरी की जान है हम। अनेक प्रकार की शाकभाजी, पुलाव अने चटपटी कचोरियों तो जीव छीए अमे। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े, तेज वखते दूधी अने गाजर कूदी पड़ा। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं, लौकी बोली। रायतू, कोफ्ता अने हलवो अमारा वगर केवी रीते बनी सके, एवू दूधी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। गाजरे बात कापता कह्यू कि हलवो तो मारो पण बने छे। मेरा रूप रंग देखा है? मारू रूप अने रंग जोया छे के? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, केटलो सुंदर लाल रंग छे मारो। नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है कि नाम सांभळी ने ज मोढ़ा में पानी आवी जाए छे। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, मने खावाती लोको खूब ज तंदुरस्त रहे छे। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई, आ सांभळीने कोबीज आगळ आव्यू। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, हूँ पण स्वास्थ्य माटे उपयोगी छू। सब्जी के अलावा कचुमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। सब्जीना सिवाय कचुंबर अने सलाड में पण मारू स्थान छे। मिर्च पीछे क्यों रहे, मरचू केम पाछड़ रहे, वह भी कहने लगी। ते पण कहवा लाग्यू, सभी चुप हो जाइए, बद्दा चुप थई जाओ। मेरे बिना आप सबकी क्या किम्मत है, मारा वगर तमारा बधानी शू किम्मत छे। मेरे बिना सभी सब्जियां फिक्की हैं, मारा वगर बद्दी शाकभाजी फिक्की यानी कि स्वादहीन, स्वाद वगरनी छे। मैं पतली और चुस्त हूँ, हूँ पतली अने स्फूर्तिलू छू। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी,
भींडो પણ પોતાની કોમળતા અને અનોખા સ્વાદની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. અબ કરેલા કૈસે ચૂપ બેઠતા તો હવે કારેલું કેવી રીતે ચૂપ બેસી શકે? વહ બોલને જા રહા થા તો ટમાટરને ઉસકો બીચ મેં હી રોક દિયા. તે બોલવા જઈ રહ્યું હતું તો ટમાટરે તેને વચમાં જ રોકી દીધું. તેરા નામ સુનતે હી બચ્ચે દૂર ભાગતે હૈ. ટમાટર કહેને લગા કે તારું નામ સાંભળીને જ બાળકો દૂર ભાગે છે. મેરા ખટ્ટા મીઠા સ્વાદ સબકો પ્યારા લગતા હૈ. મારો ખાટો મીઠો સ્વાદ બધાને ખૂબ જ ગમે છે. યહ બાત સુનકર કરેલા ચિલ્લાયા ઓર બોલા, સિર્ફ રંગ રૂપ હી કાફી નહીં હૈ. આ વાત સાંભળીને કારેલું ચિલ્લાયું, ગુસ્સે થયું અને કહેવા લાગ્યું કે ફક્ત રંગ રૂપ કામના નથી, ફક્ત રંગ રૂપ પર્યાપ્ત નથી. જ્વર જૈસી બીમારીઓ ઠીક કરને મેં લોગ મેરા પ્રયોગ કરતે હૈ. જ્વર યાનિ કે તાવ, બુખાર તો કે તાવ જેવી બીમારીઓ ઠીક કરવા માટે લોકો મારો ઉપયોગ કરે છે. આખીર મેં કલગીદાર બૈંગન આયા, અંતમાં છેલ્લે કલગીવાળું રીંગણ આવ્યું. ઉસને સભી કો શાંત કરતે હુએ કહા, દોસ્ત આપ સબ અપને અપને સ્થાન પર ઉપયોગી એવમ સહી હે. તેને બધાને શાંત કરતા કહ્યું કે મિત્રો, તમે બધા આપણે બધા પોતપોતાના સ્થાન ઉપર ઉપયોગી અને યોગ્ય છીએ, સાચા છીએ. આપણે મિલજુલ કર રહેને મેં હી હમારી ભલાઈ હૈ. અળી મળીને રહેવામાં જ, સંપીને રહેવામાં જ આપણે બધાની ભલાઈ છે. સલગમ, ગાજર, બંધગોબી, લૌકી, કકડી, કેપ્સિકમ કો મિલાકર બનાયા કચુંબર લિજ્જતદાર હોતા હૈ. યાની કે બીટ, ગાજર, કોબીજ, કાકડી અને કેપ્સિકમ યાની કે શિમલા મરચાને આ બધાથી ભેગા કરીને બનાવેલું કચુંબર બહુ જ લિજ્જતદાર એટલે કે સ્વાદિષ્ટ હોય છે. આલુ, શકરગંદ, ફૂલગોબી, ભીંડી સે બની સબ્જી મનભાવન બનતી હૈ. બટાકું, શક્કર્યું, ફુલાવર અને ભીંડાથી બનેલી શાકભાજી પણ મનપસંદ હોય છે. મિર્ચ, ધનિયા, અદરક જૈસે મસાલે રસોઈ મેં સ્વાદ ઓર સુગંધ પ્રદાન કરતે હૈ. મરચું, કોથમીર અને આદુ જેવા મસાલા રસોઈમાં સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે. ઇસ તરહ હમ એક સાથ ઘુલ મિલકર ઓર ભી મજેદાર હો જાતે હૈ. આવી રીતે આપણે એક સાથે હળી મળીને બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બની જઈએ છીએ. ઇતને મેં બિરજુ ચાચા જાગ ઉઠે. આટલામાં બિરજુ કાકા ઉઠી ગયા, જાગી ગયા. સભી સબ્જીયા ઇધર ઉધર ભાગને લગી, બધી શાકભાજી આમ તેમ દોડવા લાગી. લૌકી, કરેલા ઓર કકડી બેલો પર જા બેઠી. દૂધી, કારેલા અને કાકડી પોતાના વેલા પર જઈને બેસી ગયા. શકરગંદ, આલુ, ગાજર, બીટ જમીન કે અંદર ઘૂસ ગઈ. શક્કર્યું, બટાકું, ગાજર, બીટ એ બધા જમીનની અંદર ઘૂસી ગયા. ભીંડી, મટર, બૈંગન, ટમાટર પૌધે કી ડાલીઓ પર છીપ ગયે. ભીંડા, વટાણા, રીંગણ, ટમાટર એ છોડની ડાળીઓ ઉપર છુપાઈ ગયા. બિરજુ ચાચા આપને કામે મશગુલ હો ગયે. બિરજુ કાકા પણ પોતાના કામમાં મશગુલ થઈ ગયા. શબ્દાર્થ હૈ ઇસ પાઠ કે શબ્દાર્થ હૈ અનુઠા. અનુઠા યાની કે ઉત્તમ. જ્વર યાની કે બુખાર. કાફી પર્યાપ્ત. દોપહર મધ્યાહન. ફિક્કી સ્વાદહીન. સરતાજ સર્વશ્રેષ્ઠ. સમ્માન માન. ચાટ ચટપટા વ્યંજન. આખીર અંત. મજેદાર સ્વાદિષ્ટ. લિજ્જત સ્વાદ. હલવા એક પ્રકાર કી મીઠાઈ. મનભાવન મનપસંદ. મુહાવરે કે અર્થ હૈ એક નોક ઝોંક કરના યાનિ કે ઉગ્ર ચર્ચા કરના, વાદ વિવાદ કરના. મુંહ મેં પાણી આના,
खाने की इच्छा होना। बात काटना, बीच में बोल उठना। अब अभ्यास है, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। तो आपके घर में कौन सी सब्जी बनती है उसकी सूची बनानी है। जैसे कि मेरे घर में आलू, बैंगन, फूलगोभी, बंद गोभी, भिंडी, करेला आदि सब्जियां बनती हैं। सूची में अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। अब आपके आपने जो सूची बनाई है उसका कारण क्यों है, आपको मनपसंद सब्जी क्या है और वह क्यों मनपसंद है उसका कारण देना है। तो जैसे कि आलू, आलू आपको पसंद है तो आलू क्यों पसंद है, तो हर एक सब्जी के साथ वह अच्छा लगता है इसलिए आलू मुझे पसंद है। बैंगन पसंद है तो बैंगन का स्वाद अच्छा लगता है इसीलिए वह मुझे पसंद है। शकरकंद पसंद है तो शकरकंद क्यों पसंद है उसका कारण बताइए, तो शकरकंद मीठा होता है इसलिए वह मुझे पसंद है। टमाटर पसंद है तो टमाटर क्यों पसंद है, टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए टमाटर मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह आपको अपनी मनपसंद सब्जी लिखनी है और उसके सामने उसका कारण बताना है। अब प्रश्न नंबर 3, भिन्न शब्द पर गोल कीजिए, यानी कि 4 शब्दों में से जो अलग यानी कि भिन्न है उस पर आपको गोल करना है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, पालक, गाजर, सेब, लौकी। तो पालक, गाजर और लौकी सब्जी है और सेब फल है, तो सेब अलग पड़ता है तो इसके ऊपर गोल दिया है। इसी तरह आपको करना है ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला। तो सभी सब्जी हैं, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी सब्जी है और केला फल है, तो केला भिन्न है तो केला पर आप गोल करना है। दूसरा है पपीता, मूली, आम, अनार। तो पपीता फल है, आम फल है, अनार भी फल है, मूली सब्जी है तो मूली पर हमें गोल करना है। तीसरा है कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो कनेर, गुलाब, चमेली सब फूल हैं और धनिया है वह मसाला है तो धनिया ऊपर हमें गोल करना है। चौथा है मिर्च, अदरक, फूलगोभी, लहसुन। तो मिर्च, अदरक, लहसुन वह मसाला है और फूलगोभी सब्जी है तो फूलगोभी भिन्न है तो फूलगोभी पर हमें गोल करना है। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हरी रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरी रंग की सब्जियां कौन सी हैं, करेला, ककोड़ा, भिंडी, मेथी की भाजी, पालक आदि सब्जियां हरे रंग की होती हैं। दूसरा प्रश्न है कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। तीसरा प्रश्न है कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है, तो करेला, ककोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। प्रश्न 4, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। तो प्रस्तुत इकाई में तुरई, सेम, कुंदरू आदि सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। प्रश्न 5, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा चीनी, दूध, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रश्न 6, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो आम, केले, अमरूद जैसे फल की सब्जी बनाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं।
दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देखता है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाले ग्राहक को बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक छोटा बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही हैं। उनकी सब्जियां टोकरी में रखी हुई हैं। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है। दूसरी स्त्री के पास दो ग्राहक खड़े हैं। एक लड़का भिंडी खरीद रहा है और एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नज़दीक से रास्ता गुजर रहा है। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहा है। प्रश्न 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। एक जंगल था। जंगल में एक बरगद का पेड़ था और बरगद के पेड़ के नीचे एक हाथी रहता था। बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद के पेड़ की डालियां तोड़ने लगा और उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ, अतः मुझे रहने दीजिए, आपकी भी मैं कभी सहायता करूँगा। कई दिनों बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो और आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे गया और आराम करने लगा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। फिर हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए और दोनों फिर से पक्के दोस्त बन गए। प्रश्न 7, दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। लेकिन दो चित्र हैं, इनमें से भेद का वर्णन करना है। तो चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 में एक खेत है, यहाँ दो खेत हैं। एक किसान हल चला रहा है और दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। एक खेत जोता जा रहा है। दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के पौधे हैं। दो लड़के दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का दिखाई दे रहा है। नाचता हुआ मोर दिखाई देता है, खड़ा मोर दिखाई देता है। एक बकरी लड़के के आगे हैं और चित्र 2 में एक बकरी लड़के के पीछे हैं। घास के दो गट्ठर हैं, जबकि चित्र 2 में सब्जियों का ढेर पड़ा है। इसी तरह दोनों चित्रों में भेद दिखाई देता है। अब स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न 1, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। 2, कचुमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है, यानी कि कौन कौन सी सब्जियों का कचुमर बनाया जाता है? तो कचुमर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च और टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। प्रश्न 3, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं?
तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार वानगी बनती हैं। प्रश्न चार, मसालों से रसोई में क्या होता है? तो उत्तर है, मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। प्रश्न पाँच, बैगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैगन ने सबको सलाह दी कि आप सब शांत हो जाइए, आप सब अपनी अपनी जगह पर उपयोगी एवं सही हैं, मिलजुल कर रहने में ही हम सबकी भलाई है। प्रश्न छ, बच्चों को कौन कौन सी सब्जियों बहुत पसंद होती हैं? तो बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद, टमाटर, भिंडी आदि सब्जियां बहुत पसंद होती हैं। प्रश्न सात, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो जमीन के नीचे प्याज, आलू, गाजर, शकरकंद जैसी सब्जियां जमीन के नीचे पैदा होती हैं। आठ, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? तो बेलों पर ककड़ी, करेला, तुरई, लौकी, कुंदरू, पर्वत, सेम आदि सब्जियां बेलों पर होती हैं। अब प्रश्न नंबर दो, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए, यानी कि सब्जी के बारे में आपको दो तीन वाक्य लिखना है। तो पहला है बैंगन, तो बैंगन के बारे में आप क्या कहेंगे? तो बैंगन काले रंग का होता है, बैंगन के माथे पर हरे रंग की कलगी होती है, बैंगन लंबा या गोल होता है। अब टमाटर, टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद होता है और टमाटर गोल होता है। करेला, करेला हरे रंग का होता है, वह ज्वर, मधुप्रमेह जैसी बीमारियों को ठीक करने में उपयोगी है और उसकी उसका स्वाद कड़वा होता है और उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। लौकी, तो लौकी हरे रंग की होती है, लौकी का हलवा बनता है। गाजर, गाजर लाल रंग का होता है, गाजर का हलवा बनता है, गाजर की एक और नुकीली होती है, गाजर का स्वाद मीठा होता है। अब प्रश्न नंबर तीन, चित्र के आधार पर लेखन कीजिए, यानी कि चित्र के आधार पर वर्णन करना है। जो हमने पहले चित्र का वर्णन किया वह उसी चित्र का है, तो जब वही वर्णन हमें यहाँ भी लिखना है। अब प्रश्न नंबर चार, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, यानी कि गुजराती में अनुवाद करवानू छे। एक, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं, बद्दी शाकभाजी मारा वगर अधूरी छे। दो, गाजर से हलवा बनता है, गाजर माथी हलवो बने छे। त्रण, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, मसाला रसोई में स्वाद अने सुगंध प्रदान करे छे, એટલે કે સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે। चार, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है, करेलू तंदुरस्ती माटे खूब ज उपयोगी छे। पांच, बिरजू चाचा सो गए, बिरजू काका ऊंघी गया। अब प्रश्न नंबर छ, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी कि शब्दों दिए हैं और एक उदाहरण भी दिया है। शब्दों है प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई, शांत। उदाहरण दिया गया है प्रशंसा, तो उसका अर्थ है निंदा, तो वह कौन सा अर्थ हुआ? विलोम अर्थ। तो हमें शब्द का विलोम अर्थ देना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो प्रशंसा, तो अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है।
इसी तरह अधूरा तो इसका विलोम अर्थ है पूरा। तो मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, समझदार लोग काम पूरा करते हैं। पसंद नापसंद, मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। भलाई बुराई, अच्छे लोग हमेशा लोगों की भलाई करते हैं और बुरे लोग हमेशा लोगों की बुराई करते हैं। शांत का विलोम अर्थ है अशांत। तो वर्ग में शांत विद्यार्थी अच्छे लगते हैं और वर्ग में अशांत विद्यार्थी बुरे लगते हैं। इसी तरह हमें प्रश्न और उसका विलोम अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी कि अब समान अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। सुगंध तो उसका अर्थ है सुवास। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। तो इसी तरह आरोग्य का समान अर्थ है स्वास्थ्य। तो अर्थ होता है मेरा आरोग्य अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मन भावन का समान अर्थ है मन पसंद। मेरा मनपसंद फल केला है, मेरा मन भावन फल केला है। सरताज का समान अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। तो इसका वाक्य प्रयोग है, आलू सभी सब्जियों में सरताज है, आलू सभी सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत अधिक, तो बहुत, मेरे पास बहुत पेन है, मेरे पास अधिक पेन है। इसी तरह समान अर्थ देकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। अब विशेषण, आपको विशेषण ढूंढकर बताना है। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ दिए गए क और ख विभाग, तो क में दिया गया है मनोज ने गाजर खाया, तो गाजर वह संज्ञा है। और ख में दिया है मनोज ने बड़ा गाजर खाया, तो गाजर तो संज्ञा है पर कैसा गाजर है, बड़ा, यह उसकी विशेषता है। तो बड़ा यह उनकी उनका विशेषण है। टोकरी में शकरकंद है, तो शकरकंद संज्ञा है और टोकरी में मीठा शकरकंद है, तो शकरकंद की विशेषता है मीठा, तो मीठा विशेषण है। घोड़ा दौड़ता है, काला घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा संज्ञा है पर घोड़े की क्या विशेषता है, काला, काला यह उसकी विशेषता है, तो काला विशेषण हुआ। गाय चरती है, सफेद गाय चरती है, गाय संज्ञा है पर गाय की क्या विशेषता है, सफेद गाय, तो सफेद वह विशेषण है। लड़के पढ़ते हैं, तीन लड़के पढ़ते हैं, लड़के यह संज्ञा है पर लड़के की क्या विशेषता है, तीन यह विशेषता है, तो तीन वह विशेषण हुआ। गिलास में दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, तो दूध यह द्रव्यवाचक संज्ञा हुई पर दूध की क्या विशेषता है, थोड़ा, थोड़ा यह दूध की विशेषता है, तो थोड़ा विशेषण हुआ। आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्यों में निर्देशित शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये सब संज्ञा है पर इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे कि बड़ा, मीठा, काला, सफेद, तीन और थोड़ा है वह विशेषण है। यानी कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। आगे क्रिया पढ़िए और समझिए। क्रिया यानी कि क्रियापद। मयूरी पढ़ती है, तो पढ़ती है वह क्रिया है यानी कि क्रियापद है। मीना दौड़ती है, तो दौड़ती है वह क्रिया है, तो वह क्रियापद है। सोनल खाना खाती है, तो खाती है वह क्रिया है। सचिन खेलता है, तो खेलता है वह क्रिया है। सलीम पानी पीता है, तो पीता है वह क्रिया है।
और जोसेफ लिखता है तो लिखता है वह क्रिया है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती हैं, दौड़ती हैं, खाती है, खेलता है, पीता है, लिखता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं। अतः ये सब क्रियापद हैं, यानी कि जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। अब इतना जानिए, इस इकाई में सभी सब्जियों की बात हुई, तो सब्जियों को हिंदी में क्या कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं? आलू। आलू को क्या कहते हैं? आलू एटले के बटाटा। शकरकंद, शकरकंद एटले के शक्करियू। करेला एटले के कारेलू। लौकी एटले के दूधी। मटर एटले के वटाणा। गाजर तो गाजर। बंद गोभी यानी कि कोबीज। मिर्च एटले के मरचू। भिंडी भिंडो। टमाटर एटले के टामेटू। बैगन एटले के रींगण। सलगम एटले बीट। ककड़ी एटले के काकड़ी। फूलगोभी एटले के फूलेवर। धनिया एटले के धाणा कोथमीर। अने अदरक एटले के आदू। तो आप सबको इन सब्जियों के नाम लिखकर तैयार करना है।